आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मैंने विषय रखा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने आजादी के बाद बहुत सारे जो राजा महाराजाओं के जो स्टेट थे उनको समझाकर बातचीत करते हुए ये पूरा भारत का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल न होते और ये न किया होता तो आज भारत का मानचित्र कुछ अलग ही होता। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत का निर्माण किया, इसलिए उन्होंने भारत की एकता अखंडता बनाई और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात में तब उन्होंने 2013 में घोषणा की थी, संकल्प किया था कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू सरदार वल्लभ भाई पटेल का बनेगा। आज मुझे बहुत खुशी है और मैंने पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पूरे देश को निमंत्रित किया है कि 31 अक्टूबर 2018 सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती पर दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू प्रतिमा, एक बड़ी विरल प्रतिभा की बड़ी प्रतिमा, उसका लोकार्पण प्रधानमंत्री के कर कमलों से होगा और वर्ल्ड क्लास व्यवस्था के साथ ये बनाया है। जब घोषणा की थी तब विरोधियों ने बताया था कि ये सब बातें हैं, लेकिन ये साकार हुआ है। मोदी जी का विजन, मोदी जी का परिश्रम और मोदी जी के मार्गदर्शन से ये भारत में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू ये लगभग बन गया है और 31 अक्टूबर को हम उसका इनॉग्रेशन करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को दुनिया के सामने आज तक रखा नहीं गया और सरदार वल्लभ भाई पटेल को कांग्रेस ने साइड में ही रखा था और नेहरू जी के आगे रखा था, सरदार को साइड में रखा था, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी ने, प्रधानमंत्री जी ने नरेंद्र भाई ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को दुनिया के सामने एक अच्छी तरह से प्रस्तुत किया है और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम दिया है, जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से दुगना होगा, 182 मीटर। तो सरदार साहब को दुनिया के सामने ऐसा प्रस्तुत किया है और एकता का प्रतीक। आज देश में बहुत सारे लोग देश को तोड़ने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, देश की एकता अखंडता को भी तोड़ने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, समाज को भी तोड़ने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। उसके सामने एकता का प्रतीक पूरा खड़ा हो रहा है और पूरे देश के लिए एक गौरव की बात बनेगी और सरदार को याद करते हुए फिर से भारत की एकता अखंडता, भारत के 125 करोड़ की जनता एक है, इस एकता के प्रतीक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को आज गुजरात सबसे दुनिया में सबके सामने प्रस्तुत कर रहा है और मैंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पूरे देश के लोगों को, जिन लोगों ने लोहा दिया था, मिट्टी दिया था, पानी दिया था, ये सब इस स्टैच्यू में लगाया है और ये स्टैच्यू सिर्फ प्रतिमा नहीं लेकिन भारत की एकता भावना और अखंडता का प्रतीक ऐसे सरदार को आज दुनिया के सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं और दुनिया में सरदार साहब अमर होंगे। और मैं मानता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी ने
सरदार वल्लभ भाई पटेल को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि इस स्टैच्यू के माध्यम से दी है।